Sir, Anand, sub trucks there? Yes, sir. Sub trucks there. We are ready to proceed. Good. All trucks ready, sir. Proceed to next base. ठीक है, तुम एक बार फिर से चेक कर लो, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ. ओके ओके सर. कम ऑन सर. अरे गुलाब सिंह, चल अपना ट्रक ठीक कर, चल जल्दी चल. या मेरी रात की उतरी नहीं, या मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है. यही तो हम सोच रहे हैं भाई, हमने तो रात को पी नहीं, लगता है हमारी आंखों में भी गड़बड़ है. नहीं सर, लगता है हम दोनों की आंखों में कुछ गड़बड़ है. वैसे आप आदमी है ना. क्यों ऐसे कहते हैं कि कभी कभी अपने शक्ल के भी भूत प्रेत मिल जाते हैं. नहीं यार, लगता है तो कुदरत का करिश्मा है. देखो तुम और हम दो इंसान जिनका आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है, हम शक्ल बना दिया. वैसे मैं कैप्टन कुमार हूं, तुम्हारा नाम क्या है? चंदन. अच्छा चंदन, तुम एक काम करो, जरा जंग खत्म हो जान दो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो. अरे अपने घर वालों को साथ झटका तो दे. ये कैसे होगा साहब? ये मुझे ऐसे बाल और ये दांत देख रहे, दांत ये तो आपके पास नहीं है, फिर झटका कैसे होगा? अरे नहीं, बहुत जबरदस्त झटका लगेगा. मानो माँ क्या समझेगी कि मैंने अपना स्टाइल ही बदल दिया. वैसे तुम काम क्या करते हो? सर अपने रेजिमेंट में माल सप्लाई करता हूँ, दिन के पूरे 10 चक्कर लगते हैं. हाँ अच्छा चंदन, एक वादा करो, शाम को तुम हमें जरूर मिलने आओगे. जरूर आऊंगा सर, जरूर आऊंगा. ये देखिए अब आ रहे हैं कैप्टन कुमार. यार तू किस टाइप का आदमी है? पहले तो इतना भुलक्कड़ नहीं था. क्यों खैरियत? क्या खाक खैरियत है? आज तेरा और बहादुर सिंह का डार्ट का फाइनल मैच था ना, वो हम सब का मजाक उड़ा कर चला गया. क्या दादा कुमार मुझसे डर गया? शेम ऑन यू. अरे बहुत बहादुरों को डरपोक बनाया हमने, जाकर कह दो उस बच्चे को हमारा मुकाबला उधार रहा, दो चार दिन के बाद खेलेंगे और जीत के दिखाएंगे. क्यों आज क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है प्यारे कि हमें आज स्पेशल एक्साइज ड्यूटी का ऑर्डर मिला है और आज रात को ही हमें बर्फीली पहाड़ियों पर जाना है. तो चिंता मत करो, जैसे हम वापस आएंगे ना तो साले बहादुर के बच्चे को शिकस्त देकर अपनी बहादुरी का झंडा उसके सर पे गाड़ देंगे. चीयर्स. चीयर्स. नीचे मैं वहां पहुंचूंगा कैसे?
होश नहीं आ रहा। इसे तो होश नहीं आ रहा। नरकस के बदन को गर्म करने के लिए अपने बदन की गर्माइश देनी पड़ेगी। हे प्रभु, तू तो मेरी नीयत जानता है, ऐसे वक्त की नजाकत को तो पहचानता है ना, मुझे माफ कर देना। भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई, वरना ऐसी सर्दी और साथ में इतनी हवा, अरे अच्छे भले इंसान को बेकार कर देती है। घर जाके अपने मां बाप से कहना कि तुम्हारी नजर उतारे, पूजा पाठ करे कि तुम्हारी जान बच गई। वैसे आप किस इलाके की रहने वाली हैं? जी मैंने आपसे ये पूछा कि आप किस इलाके की रहने वाली हैं? ये तो बोलती नहीं। देखो मैं तुम्हें मिलिट्री कैंप ले चलता हूं, वहां डॉक्टर को दिखाकर तुम्हारा चेकअप कराकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। Morning, sir. Morning. May I come in, sir? Come in. आपने याद किया सर? हाँ कुमार, तुम्हारी माँ का टेलीग्राम आया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप तो जानते हैं सर, जब माँ वापस घर बुलाना चाहती हैं तो कोई ना कोई बीमारी का बहाना करती है। बहरहाल तुम्हें छुट्टी सैंक्शन कर दी गई है, अगर तुम चाहो तो आज ही घर जा सकते हो। थैंक यू सर, मैं आज ही चला जाऊंगा। Hey, how's your health? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम जवाब ही नहीं दे रही। माँ का टेलीग्राम आया है, लिखा उनकी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जा रहा हूं। hey, जाने वाले से कुछ कहोगी नहीं? अरे मैंने कहने को कहा है, आंसू बहाने को नहीं। अब समझा, तुम ये सोच रही हो कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अरे हम रहे ना रहे तुम्हारे देखभाल में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे तुम ठीक हो जाओगी, मेरा दोस्त तुम्हारे घर छोड़ देगा तुम्हें। अब तो खुश? हाँ बहुत खुश, मगर तुमने मेरी तबीयत सुधारने के बजाय मुझे जहर क्यों नहीं दे दिया? क्या तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता रेशमा। हाँ मर जाने दिया होता, मेरे जीने से फायदा ही क्या है? बचपन में मेरे माँ बाप मर गए और मामा ने इसी उम्मीद पर पाला कि मैं उसके लिए शराब का इंतजाम कर सकूँ, उसके लिए कुछ कमाई कर सकूँ, और जिस रोज मैं नहीं कर पाई तो 2 रुपए लाती थी और आज 1 रुपया। मैं कहता हूँ बाकी के पैसे निकाल, वरना मार मार के पुरता बना दूंगा। कसम से मामा, सिर्फ 1 रुपया। मामा पैसा निकालना जानता है। सुंदर आज तकदीर जागी है और ये सो रही है। कलट कायल हड्डी हराम भैंस, अता तेरी रगों में खून की जगह नींद दौड़ रहा है। चलो उठ, काम की ना काज की अनाज के। इतनी बोतलें कहाँ से लाई इतनी बोतलें चोरी करके? अरे चोर होगा तेरा बाप, जिनके पास नोट होते हैं ना वो चोर नहीं होते। ये देख 500 रुपया। 500 रुपया नोट? जरा दिखाओ तो कैसे होते हैं? ये ले। अरे पगली ये तो कुछ भी नहीं, अब 5000 और आने वाले हैं। मगर इतना रुपया आया कहाँ से? ये अपनी रेशमा है ना, जो रोज बाजार से 2-3 रुपया कमा कर लाती थी, मैंने इस जन्म जली को हरिराम के हाथों 5000 में बेच दिया। अब ये जिंदगी भर हरिराम की रखेल बनकर ऐश करेगी और मैं दारू पीऊंगा। मुझसे वो जिल्लत की जिंदगी नहीं जी जाएगी कुमार, मैं अपने आप को खत्म कर डालूंगी, खत्म कर डालूंगी मैं अपने आप को। I'm sorry, रेशमा, मुझे माफ कर दो,
सिपाही हो ना, जिंदगी की बारीकियों की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे उस थर्ड रेट लोफर मामा के पास तुम्हें हरगिज नहीं भेजूंगा। पर ऐसा कोई नहीं जहां तुम जा सकती हो, रह सकती हो, जहां तुम्हें कोई सहारा दे। नहीं, सिवाय मौत के और कोई ठिकाना नहीं है। प्लीज मेरे सामने मरने की बातें मत किया करो। पर तुम फिक्र मत करो, मेरे यहां काफी दोस्त हैं, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। आओ मेरे साथ। जाने कैसा है ये अफसाना, जाने कैसा आया ये जमाना, जाने कैसा है ये अफसाना, जाने कैसा आया ये जमाना। अरे तू भी तो अनजान है, मैं भी तो अनजान हूँ, तू भी कुछ है लगता है ये सितारे जैसे करते हैं कुछ इशारे, ऐसा लगता है ये सितारे जैसे करते हैं कुछ इशारे। अरे ना आंखों में नींद है ना दिल में करार है, क्या हो जाए क्या पता, कोई दास्तान बन के नजर दिल की जुबान।
कहने लगी एक दास्तां हे एक दास्तां ओ एक दास्तां एक दास्तां उतरो। ये कहाँ ले रहा हूँ मुझे? यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, तुम यहाँ ही रहना, मैं तुम्हें रोज मिलाया करूँगा। अच्छा। Yes, shifting room number 5. Yes, sir. Hello, Kumar. Doctor Verma, how are you, sir? I'm very fine. आपको तशरीफ लाए। बस अभी आया हूँ। डॉक्टर गोपाल को पता है कि आप यहाँ आने वाले हैं? जब मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं आने वाला हूँ तो डॉक्टर गोपाल को कैसे मालूम होगा? वैसे एक काम से आया हूँ। रामलखन, 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 ओह, हमने जिंदगी में बहुत सारे बहरे देखे मगर इस जैसा नहीं देखा। जुम्मन मियाँ, जुम्मन मियाँ, बुलेट, बुलेट, हे बुलेट, चल माँ को फोन दे जल्दी। बुलेट, तू फोन क्यों ला रहा है? समझी, जरूर कुमार का फोन होगा, ला। हेलो माँ, कैसी हो माँ? मगर तू कहाँ से बोल रहा है? मैं वो जो अपने गोपाल के नर्सिंग होम से बोल रहा हूँ। नर्सिंग होम? जी हाँ। क्यों, कौन बीमार है? वो माँ, मेरे एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उसे देखने आया हूँ। अच्छा, बस मैं 5 मिनट पहुँच रहा हूँ माँ, जल्दी आ, समझा? अच्छा माँ, बाय। बुलेट, बुलेट, come on, ये, आये डालें, ये ले, अब तो ले। आजकल की लड़कियां क्या रबर की बनी होती है? क्यों? जब देखो खींच कर लंबी होती जाती है। जाहिर है, हम यहाँ खाते पीते ऐश करते हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी ना रुखा सुखा खा के पानी पी के दिन गुजारते हैं। तो मैं पानी पीता हूँ? क्या हुआ माँ जी, सब हरी को है? चुम्मन मिया, हाउ डू 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 डू। ये शोर बकोर काहे का? ये शोर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आए हैं। खुश आमदीद, अल्लाह ताला आपके कदम मुबारक से इस घर के माहौल को ता कयामत यूं ही बारोनक रखे। माँ, ये बदले नहीं हाँ? बस एक बार शुरू हो जाते हैं तो बंद होने का नाम नहीं लेते। जुम्मन मियाँ, आप जल्दी से जाइए और खाना लगवाइए। अच्छा माँ जी। ये भिंडी एक तरफ और दुनिया के सबसे बड़े होटल का मुर्ग मसाला एक तरफ, नो मुकाबला। वो मैंने बनाया। ये तो सोचा होता नमक कहाँ से आया। मम्मी, इस पालक पनीर का कोई जवाब ही नहीं। वो भी इस नाचीज ने बनाया। इतना बेमजा पालक मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। और ये फुलके देख रहे हैं, किनारे कच्ची है, खाते हुए लगता है किसी बंदर के कान खा रहे हो। वो मम्मी ने बनाया। मम्मी? मैं तो मजाक कर रहा था मम्मी। ये लो, ऐसे चपाती मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। सारे बाबरची को आपसे ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ओ भाया, ट्रेनिंग ले लेना। ले लो। हाँ, ले लेना। वो भी हमने ही बनाया। तो फिर तुम जाकर किसी होटल में काम क्यों नहीं करती हो? बड़ाई पर बड़ाई मारी जा रही है, चुपचाप से खाना खाती है कि नहीं? काम ही नहीं। चक चक बंद करो, इतने दिनों के बाद भाई आए हैं, चैन से खाने तो दो। मम्मी देखो ना, कुमार, गोपाल, गोपाल,
कैसा है? तू कैसा है? फर्स्ट क्लास। यार तुझे कोई शर्म है कि नहीं? क्यों, एक बार जाता है तो पीछे मुड़कर देखता ही नहीं। अरे तू फौजी है या कैदी है? क्या करूं यार, भाग कर तो नहीं आ सकता। मिलिट्री का काम है, वसूली का काम है, कोई डॉक्टरी थोड़ी किसी मरीज को देखकर। बेटा तुम्हें तो पद्मश्री मिलनी चाहिए अपने उसूलों के लिए। पद्मिनी मिलनी चाहिए? अरे पद्मिनी नहीं, पद्मिनी नहीं, पद्मश्री। अरे गोपाल, तुमने हमारा काम किया? जरूर किया है। 5 रोज तक दिन रात एक करके मैंने आपके लिए बहुएं तलाश की हैं। ये देखिए तस्वीर। शाबाश माँ, मुझे भी दिखाना प्लीज माँ, प्लीज। सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं माँ जी, इनमें किसी भी तस्वीर के ऊपर आंख बंद करके उंगली रख दीजिए, वो आपकी बहू बनने के लायक होगी। और कुमार साहब, जरा आप भी देख लीजिए और फौरन फैसला कीजिए आपको कौन सी लड़की पसंद है। मैं आपसे पहले ये कह चुका हूं कि मैं शादी वादी कुछ नहीं करूंगा। हाँ? अरे अरे देखा, ये हर बार इसी तरह हमारी बात को टाल देता है। गोपाल तुम ही मालूम करो इसके दिल में क्या है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं ऐसे इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जनाब गोपाल साहब, कता कलामी की गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हुए ये अर्ज करने आया हूँ कि हुजूर अनवर के मकतब से ये इत्तला आई है कि आप फौरन रुझू करें, एक बड़ा शकील और दुश्वार मसला दरपेश आया है। जुम्मन मियां, ये जबान क्या मेरा बाप समझेगा? आपने मुझे गालिब साहब का शागिर्द समझ रखा है भाई, सीधी सादी जबान में कहिए क्या बात है। अरे जुम्मन मियां, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? सीधी सीधी बात कहो ना कि आपका फोन आया है। हाँ हुजूर, आपके दवाखाने से बड़ा जरूरी फोन आया है। तो यूं कहो ना। हेलो। हेलो सर। या डॉक्टर गोपालिया। सर एक लड़की चेकअप करने से इनकार कर रही है। लड़की? कौन लड़की? उसको कुमार ने यहाँ रखा है। कुमार ने? क्या नाम है उसका? रेशमा। रेशमा, अबे अपने मुंह पे टेप लगा, क्या ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है? कहीं माने सुने तो मेरी डिचिंग हो जाएगी। अबे मगर ये लड़की रेशमा है कौन? तूने उसे नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। कितने महीने का है? 14 महीने का बच्चा। अरे मैं भी तो बच्चे की बात कर रहा हूँ। बच्चा बच्चा कुछ नहीं है, रात भर रेशमा बर्फ में ठंड से मर रही थी, मैंने सबसे बाहों में ले लिया। रात भर बाहों में मर गए। गोपाल क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ माँ जी, वो कुमार ने क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है वो अर्जेंट मैसेज आया है, मैं जरा नर्सिंग होम होकर अभी आता हूँ। अच्छा। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। मम्मी मैं भी गोपाल को छोड़ के अभी आता हूँ। तू कहाँ जा रहा फिर? नर्सिंग होम छोड़ के आता हूँ, जल्दी बाद मिला है ना, जल्दी आना। आता हूँ गोपाल। कुमार कुमार कुमार, मुझे बचा लो कुमार, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। क्या हुआ रेशमा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? यहाँ के लोग बहुत बदमाश है, बार बार मेरे बदन को छूने की कोशिश करते हैं। रेशमा जी वो लोग डॉक्टर हैं, आपकी जांच पड़ताल कर रहे थे। जांच पड़ताल क्यों, मैं कोई चोर हूँ? नहीं जी भाई, आप तो थानेदार है, थानेदार आप। चलिए मैं आपको बताता हूँ, रेशमा इनसे मिलो, यही मेरा दोस्त गोपाल है। गोपाल फंस गया? यही मैं भी सोच रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, तू रेशमा को कुछ दिन के लिए मेरे यहाँ छोड़ दे। और बड़ी माँ क्या करेंगे? अरे बड़ी माँ को मैं समझा दूंगा यार, तू इसके लिए कुछ कपड़ों का बंदोबस्त कर। यार वो रीना कहीं वापस फिर से मिल गई ना तो मैं फिर फंस जाऊंगा यार। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल उसके पास आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, शी इज वेरी बिजी। क्यों? यू नो वेयर, वो और उसका टाइगर डांस। हाय व्हाट अ किलिंग आइटम यार। टाइगर डांस? Thank you.
मुंह मीठा कराइए, आपके लिए फैंटास्टिक न्यूज़ लाया हूं। क्या हुआ? आपके कुमार साहब इसी शहर में हैं। क्या क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा और कल ही तो अपने चश्मे का नंबर ठीक कराया। आई हैव सीन हिम, आई स्वेयर। ग्रेट। कुमार, हाउ वंडरफुल कैप्टन, इस लिबास में तो तुम और भी प्यारे लगते हो, यही पहनना शुरू क्यों नहीं कर देते? मैडम, ये मैं अपने लिए नहीं, किसी और के लिए ले रहा हूँ। ओह, तो किसी और के लिए इसमें कभी कभी हम जैसे और का नाम भी लिख लिया करो, कभी कभी हमें भी छोटा मोटा तोहफा दे दिया करो, तुम्हारे खातिर तो हम जान भी दे सकते हैं। खैर चलो, तुम्हारे किसी और के लिए हमें लिबास पसंद कर देते हैं। ठीक है। रंग कैसा है उसका? गोरा। और साइज? आपसे थोड़ा कम ही होगा। Oh, you mean smaller? Anyway, ये वाला, ये सब पैक कर दीजिए, ओके? और आपकी तरफ से ये मैं अपने लिए तोहफा कबूल कर लूं? Sure, why not? Thank you. Excuse me, मैं ट्रायल रूम से अभी आई। मैडम, ये सब पैक करके रख देना, मैं शाम को आकर ले जाऊंगा। अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। बचो! अरे कोई है, बचो! क्या? अरे वो आ गया। अरे धीरे से पकड़ साले। अरे वो तो तुम बचा। मैं पूछो तो आप इस सुनसान जगह में क्या कर रही थी? गुंडों से अपने आप को बचा रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, और क्या? लेकिन कैप्टन, जिस हिसाब से आपने उन पर हमला किया, हम आपकी दाद देते हैं। क्या स्टाइल था हाथ चलाने का? अब आप अपनी कमेंट्री बंद कीजिए और इस सुनसान जगह छोड़कर अपना घर का रास्ता ना पिए। घर तो मैं शहर में छोड़ आई हूँ, अब तो सिर्फ तुम्हारा सहारा है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। देखिए मैडम, लगता है मैंने अपनी गाड़ी रोक कर अपने गले में मुसीबत की रस्सी डाली है। अरे मुसीबत की रस्सी कहो या मोहब्बत की दोरी, लेकिन ऊपर वाले ने हमारी जोड़ी बनाकर थोड़ी देर का साथ जरूर लिखा है। आप चलना चाहती हैं तो चलिए। चलिए फिर। वाह वाह वाह, एक टायर नहीं सिर्फ दो दो टायर पंचर हैं। ओनली टू। ये तो और भी अच्छा हुआ। अरे खाक अच्छा हुआ, ऐसी सुनसान जगह में एक पंचर बनाना मुश्किल पड़ता है, यहाँ तो दो दो टायर पंचर हैं। शायद हमारा तो दिल आत्मा सब कुछ पंचर हो गया मेजर साहब। लगता है किस्मत आज हम पर मेहरबान है। और लगता है आज मेरी किस्मत खराब है। अब आप चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ।
चलती हो कि नहीं ओ जाओ जाओ जाके दिखाओ जाने ना देंगे तुमको ताली खटाई जाओ जाओ जाके दिखाओ जाने ना देंगे तुमको ताली खटाई जम के बरसो वो तूफान आज तो फंस गए बादल जैसे बादल के जैसे थर थर बदन मेरा काफी सिमट गई बादल जैसे बादल के जैसे थर थर बदन मेरा काफी सिमट गई मेरी कुमार ने हमसे कहा क्यों नहीं छुपाने की क्या जरूरत थी हमने खुद 50 बार पूछा था कि उसकी नजर में है कोई लड़की हमसे तो इनकार करता रहा क्या मतलब है इन सब बातों का हो सकता है माजी आपसे कहने की हिम्मत ना हुई हो लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है कि कुमार उस लड़की को बेहद चाहता है कौन है वो लड़की उसकी जात क्या है कोई राजे महाराजे की बेटी है क्या माजी आपने जिस ऊंचाई की कुर्सी पर बिठाकर अपनी बहू की कल्पना की है इस लड़की को समझने के लिए आपको बहुत नीचे उतरना होगा वो एक बेहद गरीब लड़की है न मां न बाप और न रिश्तेदार न घर बार एक यतीम बेसहारा लड़की है जो दर बदर मारी मारी फिर रहे हैं क्या गरीब यतीम बेसहारा दर बदर मारी फिरती है और कुमार ऐसी लड़की को चाहता है और उसके साथ अपना घर नहीं नहीं ये कभी नहीं हो सकता गोपाल अभी इसी वक्त हमें उस लड़की के पास लेकर चलो रेशमा जल्दी जाकर कहीं छुप जाओ रेशमा जल्दी
मगर क्यों? बड़ी माँ आ गई है, उन्हें पता चल गया है छोटे सरकार ने तुम्हें यहाँ रखा है। कौन बड़ी माँ? छोटे सरकार की माँ। तो कौन छोटे सरकार? तो क्या घावर लड़की है? कुमार बाबू की माँ। वो देखो आ गई, मैं तो जा रही हूँ। बहुत सुंदर, हम अपने बेटे की पसंद की दाद देते हैं, मगर तुम रो क्यों रही हो बेटी? आंसू मौत डालो बेटी, रोना खूबसूरत आंखों का हुस्न बिगाड़ देता है। ये क्या माँ जी? ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारी खूबसूरती ने हमारे बेटे के कदम डगमगा दिए हैं। उसने तुम्हारे लिए अपने घराने के उसूलों को तोड़ा, कई ऊंचे घरानों से रिश्ते आए और उसने सबके लिए इनकार कर दिया और तुम्हें पसंद किया। हम यहां आए हैं, हमने तुम्हें देखा और हमने भी तुम्हें पसंद किया, आज से तुम हमारी हो गई। कुमार, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? चुप, चोर चोरी करके भाग जाता है, पुलिस स्टेशन नहीं आके बैठा। अरे अरे छोड़ो बाबा, अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम? कुमार कौन है तुम्हें? गोपाल भैया ने। धीरे बोलो धीरे बोलो। गोपाल भैया लेकर आए। आने दे साले को, अगर उसे आज 1001 इंजेक्शन नहीं टकाया तो मेरा नाम कुमार नहीं होगा। तुम चलो मेरे साथ बाहर। नहीं नहीं भागा दौड़ी से मैं बहुत थक गई हूँ, यहाँ से एक कदम भी नहीं उठाने वाली। ओ गामड़, ये घर मेरा है। मुझे मालूम है। देखो मेरी माँ असली राजपूत खानदान की ठाकुराइन है, अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ यहाँ देख लिया तो वो क्या मार देगी? गोली। मारने दो, रोज रोज के मरने से एक बार मर जाना ही अच्छा है। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चले जाए यहाँ से। जुम्मन मियाँ, जुम्मन मियाँ। जी मालकिन। कुमार के बंदूक कहाँ है? कोई बंदूक मांग रही है। थोड़ी देर बाद हमारी लाशें किद खा रहे होंगे। खैरियत तो है, आज किस खुशी में पैर छुए जा रहे हैं? बस माँ, आज मेरा मन करता है कि सारा दिन आपके चरणों में अपना सर रख दूँ। चलो हटो, हमें बहुत काम करने हैं। अरे कहाँ गई वो लड़की? लड़की? कौन सी लड़की? अरे मुद्दत होगा किसी लड़की को देखे हुए। कौन थी वो? क्या बेवकूफों जैसी बातें करता है, हम खुद उस लड़की को यहाँ बिठा कर गए थे। मेरा ख्याल है आपको सपना देखा है और कभी कभी आदमी सपने को दिन को सच समझता है। कुमार, कुमार ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। नो बेवकूफिंग। हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। तो क्या हमने काले किए हैं? कमीज से पेश आओ। बुलेट 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 बुलेट। माँ, आई एम टेलिंग यू नो गर्ल। तुम वहाँ क्या कर रही थी? इन्होंने कहा वहाँ खड़ी रह जाओ, तो मैं खड़ी रह गई। ये बात है। चलो जी। तो तुमने रेशमा को वहाँ छुपा कर रखा था? हाँ हाँ। तुम हमें बेवकूफ बनाना चाहते थे? ना। तुम्हें मालूम है माँ ने रेशमा को पसंद कर लिया है? पसंद कर लिया? हाँ। पसंद कर लिया। Thank you.
मुझे देखना, ऐसे मुझे छेड़ना, ऐसे एक अंगारा हूँ मैं अभी तुम्हारा हूँ, एक अंगारा हूँ मैं अभी तुम्हारा हूँ। सावन का महीना मुझे आए पसीना, अरे शर्म का मारा हूँ मैं अभी कुंवारा हूँ, शर्म का मारा हूँ मैं अभी कुंवारी हूँ। मजबूर रहूंगा पर मैं तुझसे दूर रहूंगा, कितना भी मजबूर रहूंगा पर मैं तुझसे दूर रहूंगा। मुख मोड़ ना लेना, कहीं छोड़ ना देना, मुझे तोड़ ना देना, तुझे मार मार के जितनी दारू पी है ना सारी निकाल के बाजार में बिकवा दूंगा और रस्सी तेरे गले में डाल के पैसों में बदलवा दूंगा। रेशमा, ये यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है, इसे प्रेम मंदिर कहते हैं। प्रेम मंदिर? हाँ, यहाँ प्रेम करने वाले जो कुछ मांगते हैं ना उनकी मुरादें पूरी होती हैं। आओ। Oh.
ए, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि चांद भी इतना सुंदर हो सकता है। आकाश में झांकते हुए चांद को तो कई बार देखा है, लेकिन करीब से पहली बार महसूस कर रहा हूँ बस इसमें सिर्फ एक कमी रह गई है। क्या? एक खूबसूरत बिंदिया की। इस चांद जैसे चेहरे पे एक खूबसूरत बिंदिया लगाने से तुम्हारी कसम इसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। ए, बिंदिया लगाओ ना। मगर मेरे पास तो बिंदिया नहीं है, कहाँ से लगाऊं? इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ। अरे ये क्या किया, मेरे लिए हाथ काट लिया? हाथ क्या, तुम्हारे साथ तो जिंदगी काटनी है, कई जन्म काटने हैं। जरा सा हाथ काट लिया तो क्या हुआ? कहते हैं कि जब तक खून बहता नहीं प्यार में रंग आता नहीं। हाँ? चलो। हाँ बोलिए पंडित जी। माँ जी, कुमार और रेशमा दोनों बच्चों की कुंडलियों का मिलान हो गया है। दोनों बच्चों के ग्रह अच्छे हैं, लेकिन लेकिन क्या? कुमार के ग्रहों की स्थिति पर ठीक से विचार करते हुए माँ जी, चौथा चंद्रमा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं दूसरा मुहूर्त निकालता हूँ। पंडित जी। जी माँ जी। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई और मुहूर्त, बुध देखिए ना, बुध। बुध जो है शनि के सामने दृष्टि पड़ती है, इसलिए वो अच्छा नहीं होगा। कुमार। ममे, आपने हमें पुकारा। देखो, हमने इन पंडितों को तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकालने के लिए बुलाया है, मगर नमस्ते। मगर क्या? मगर मगर क्या? तुम्हारी शादी एक हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए। ओ ममे। क्या हुआ कामनी? कुछ बोलो कामनी, बात क्या है? भैया, तुम्हारे हेडक्वार्टर से मैसेज आया है, तुम्हें इसी वक्त वहां बुलाया है। अरे कामनी, इसमें घबराने और रोने की क्या बात है? उन्होंने कहा है कि जंग छिड़ने के पूरे आसार है। ये क्या, एक बहादुर भाई की बहन रो रही है? नहीं कामनी नहीं, चलो हंसकर अपने भाई को विदा करो यहां से, और इसी तरह हंसते हुए इसका स्वागत करना जब वो लौट आए। मुझे छोड़कर मत जाओ कुमार, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। ए रेशमा, अब तो हंस देना। देखो मुझे बहुत दूर जाना है, इन आंसुओं का बोझ लेकर मुझसे नहीं जाया जाएगा रेशमा, नहीं जाया जाएगा। चलो अब रोना बंद करो। शाबाश। सुनो माँ और कामनी का ख्याल रखना, मैं तुम्हें माँ और कामनी के हवाले नहीं बल्कि माँ और कामनी को तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूँ। कुमार। हाँ? ले बेटा,
दहशक्कर खा ले। जा बेटा, तू जाकर देश की रक्षा कर, मां की दुआएं तेरी जिंदगी की रक्षा करेंगी। आशीर्वाद तो मां। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। कामनी, तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ने नहीं चलोगी? भैया, ये मुझसे नहीं होगा भैया, मुझसे नहीं होगा भैया। जाओ रेशमा, तुम जाकर कुमार को छोड़ाओ, मैं कामिनी को संभालती हूं। आनंद, सब ट्रक्स तैयार हैं? यस सर, सब ट्रक्स तैयार हैं। वी आर रेडी टू प्रोसीड। ऑल ट्रक्स रेडी सर, प्रोसीड टू नेक्स्ट बेस। ठीक है, तुम एक बार फिर से चेक कर लो, मैं अपने ऑफिस जाता हूं। ओके ओके सर। कम ऑन सर। अरे गुलाब सिंह, चल अपना ट्रक ठीक कर, चल जल्दी चल। या मेरी रात की उतरी नहीं, या मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है, यही तो हम सोच रहे हैं। भाई हमने तो रात को पी नहीं, लगता है हमारी आंखों में भी गड़बड़ है। नहीं सर, लगता है हम दोनों की आंखों में कुछ गड़बड़ है। वैसे आप आदमी है ना? क्यों ऐसे ही? कहते हैं कि कभी कभी अपने शक्ल के भी भूत प्रेत मिल जाते हैं। नहीं यार, लगता है तो कुदरत का करिश्मा है। देखो तुम और हम दो इंसान जिनका आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है, हम शक्ल बना दिया। वैसे मैं कैप्टन कुमार हूं, तुम्हारा नाम क्या है? चंदन। अच्छा चंदन, तुम एक काम करो, जरा जंग खत्म हो जाने दो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। अरे अपने घर वालों को साथ झटका तो दे। ये कैसे होगा साहब? ये मुझे ऐसे बाल और ये दांत देख रहे, दांत ये तो आपके पास नहीं है, फिर झटका कैसे होगा? अरे नहीं, बहुत जबरदस्त झटका लगेगा, मानो मां क्या समझेगी कि मैंने अपना स्टाइल ही बदल दिया। वैसे तुम काम क्या करते हो? सर अपने रेजिमेंट में माल सप्लाई करता हूं, दिन के पूरे 10 चक्कर लगते हैं। हाँ अच्छा चंदन, एक वादा करो, शाम को तुम हमें जरूर मिलने आओगे? जरूर आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। सर एक्सप्रेस वे की पेट्रोल हैज ब्रॉट द इंफॉर्मेशन दैट द एनमी मोटर इज लोकेटेड टू द लेफ्ट एंड रेयर रफली 2.5 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड हिज गन इज लोकेटेड टू द राइट एंड इन द रेयर रफली 3.5 किलोमीटर फ्रॉम दिस लोकेशन। आप ये मैसेज भेज दीजिए हेडक्वार्टर्स। राइट सर। राइट सर। ऑपरेटर, By the way, अपने कैप्टन कुमार कहाँ हैं? He must be in his bunker, sir. Cheers. भाई चंदन सिंह, एक बात बताओ। यार तुम ये कॉन्ट्रैक्टर ट्रक ड्राइवर कैसे बने? हाँ सब मुकद्दर का नाटक है कुमार साहब, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता था, सोचा कि बहुत पैसा होगा,
एक हसीना होगी। लेकिन बचपन में माँ बाप मर गए, कभी किसी के दरवाजे पे पड़ा रहता था तो कभी किसी और के, किसी ने रोटी दे दी तो खा लिया, वरना पेट दबा के सोया करता था। कई लोगों के घरों में नौकरियां की, गाड़ियां धोई, और गाड़ियां धोते धोते ड्राइवर बन गया। तुम फिक्र मत करो प्यारे, ड्राइवर तुम बन ही गए हो। एक दिन हम तुम्हारे हाथ में तकदीर की गाड़ी का स्टीयरिंग थमा देंगे। हाँ, तरक्की करोगे, पढ़ोगे, ये हमारा प्रॉमिस रहा। बस तुम रोज हमसे यहां मिलने आया करो, बैठेंगे, गपशप मारेंगे। क्या है कि जब मैं तुमसे बात करता हूं ना, ऐसा लगता है मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। सच्ची? असल में मुझे आजकल अपने घर की बहुत याद आती है। ठहरो, मैं तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाता हूं। ये लो, ये है मेरी मां की तस्वीर, समझ लो तुम्हारी मां। वाह चंदन सिंह वाह, असली कप्तान लग रहे हो। पर फायदा क्या है, इसे पहनने से अपनी तकदीर की गरीबी का ड्रेस तो नहीं उतरने वाला। हाँ, क्या कॉन्फिडेंस है, सही बात है भैया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं कैप्टन, सपना तो मेरा आज हकीकत में बदल गया। तुमने इतने करीब आने का मौका जो दे दिया। अरे तुमने मुझे कब से बढ़ा ली? अरे मैंने पूछा मुझे कब से बढ़ा ली तुमने? तुम जैसे हसीना जब अपने बाहें आगे बढ़ाती तो मुझ क्या, तुम जो कहो मैं। आज बड़े मूड में हो कैप्टन, मुझे आते ही मर्दानेपन की बातें करने लगे हो। हम सब कुछ बातें करेंगे। रीना, अरे तुम कब आई? हम तुमसे पूछ रहे तुम कब आई। मैडम हमने पूछा आप कब आई। कब आई क्या मतलब कब आई? तुम्हारी मूछें कहाँ गई? मूछें? किस किस्म के मूछें? अभी जो थी। ओ लॉर्ड, वो मैं नहीं, मेरा हमशक्ल दोस्त चंदन सिंह है। यहाँ हमारे यूनिट वाले सब धोखा खा जाते हैं। तुम भी धोखा खा गई? ओ कुमार कुमार, मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना, तो मैं उसे यहां ले आता हूं, तुम उसे खुद देख लो फिर से। तुम यही रहना। रीना हाँ? देखो देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे ऊपर वाले ने मजाक किया है, एक ही नेगेटिव से दो तस्वीर बनाकर भेज दिए। ओ माय गॉड, I mean this is unbelievable. अच्छा एक बात बताओ, इस गरीब बंदे के टेंट में आना कैसे हुआ? कैप्टन बात यह है कि मैं यहाँ डांस प्रोग्राम करने आई हूँ, सोचा कि तुम यहाँ हो तो तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी और मौके का फायदा भी उठा लिया जाएगा। आओगे ना मेरा प्रोग्राम देखने? हाँ जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स, और साथ में इस उल्लू के ठप्पे को भी लेकर आएंगे।
आकाशवाणी है। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। कल रात फिर दुश्मन के विमानों ने गोलाबारी की, जिससे हमारे कुछ सिपाही घायल हुए और 2 टैंकों को नुकसान पहुंचा, मगर हमारे जवानों ने और वायसा ने उनका पीछा किया और 6 में से 4 जहाज मार गिराए। दुश्मन की चौकी नंबर 11 को उड़ाना बहुत जरूरी है। आप फायरिंग शुरू रखिए, मैं पीछे से अटैक करता हूं। लेट्स गो। गाड़ी कस्टडी तेरे हाथ में आ गया चंदन सिंह, इसे छोड़ मत देना। अरे कुमार साहब, आप सही वक्त पे आ गए चंदन, मुझे जल्दी से मिलिट्री अस्पताल ले चलो। अस्पताल तो ले जाऊंगा मगर मिलिट्री की नहीं, ऊपर वाले की। ये क्या बकवास कर रहा तू? देखता नहीं मुझे गोली लगी हुई है? मेरी मदद कर यार, ले चल मुझे वहां। प्लीज प्लीज हेल्प मी। मैं गोली लग गई। खैर कुमार साहब, आपको ये तो याद होगा कि आपने मुझसे क्या कहा था, याद कीजिए। चंदन सिंह, तू सिर्फ अपने दांत और अपने बालों से मार खा गया है, वरना एक ना एक दिन मेरी मां तुझे जरूर कुमार समझ बैठती। मेरी रेशमा भी गलती से तुझे अपने गले लगा लेती, तू लाखों का मालिक बनता। खैर मैंने आपकी आवाज निकाली, मगर ऐसा मौका थोड़ी कोई छोड़ेगा। ये तू क्या कर रहा है चंदन?
लाखों का मालिक बनने की कोशिश कर रहा हूं। आप हार गए और मैं जीत गया। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। शुक्रिया जुम्मन मियां। बुलेट नजर नहीं आ रहा। माँ जी, दो दिन से बुलेट बाहर किसी कोने में पड़ा रहता है और खाना भी नहीं खाता है। लगता है उसकी तबीयत कुछ नासाज है। पहले क्यों नहीं बताया? जाइए एनिमल हॉस्पिटल में फोन करके डॉक्टर गुप्ता से जांच कराइए। लो बेटी। माँ भैया को। क्या हुआ भैया को? माँ क्या हुआ? माँ भैया को। कमली बोलना, क्या हुआ कुमार को? मिलिट्री हेडक्वार्टर से मैसेज आया है कि कल वहाँ बड़ी जोर से जंग हुई है और भैया का कहीं कोई पता नहीं है और उन्होंने कहा कि शायद। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुमार को कुछ नहीं हो सकता। मौत के हाथ हमारी ममता की दौलत को नहीं लूट सकते। हमारे बुढ़ापे की लाठी को तोड़कर जिंदगी के आखिरी दिनों में इस गौ को वीरान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बेटा बोल, बेटा तू क्या इतना बेवफा हो सकता है? माँ के आंचल को ठुकरा कर मौत के आंचल को पकड़ सकता है? अपनी माँ को दुनिया की भीड़ में अकेला छोड़कर क्या तू जा सकता है? बोल बेटा, बोल। तू नहीं जाएगा ना वापस आकर माँ कहकर अपनी माँ के सीने से लगकर प्यार करेगा ना? बोलना बेटा, बोल। तू बोलता क्यों नहीं? सारी दुनिया से कह दे कि जब तक मौत तेरी माँ को नहीं ले जाती तू मौत के अंधेरे में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कामिनी गोपाल,
मुझे मालूम था तुम बॉर्डर से आ जाने वाले हो, इसलिए तुम्हारे ऑफिस आई हूँ। प्रिया को कुछ पता चला? नहीं, नहीं कामिनी, कुछ पता नहीं चला। जंग खत्म हो गई है, इसलिए मिलिट्री ने चप्पा चप्पा छान मारा। लेकिन, लेकिन लगता है मेरा यार मुझसे लूट गया है। ये कैसी जंग है जिसने हमारे घर को उजाड़ कर रख दिया? घर की हालत ऐसी हो गई है कि सुबह शाम हम एक दूसरे को दिलासा देते हैं, हम उनके सामने रो भी नहीं सकते। माँ की हालत तो बिल्कुल अधमरी हो गई है। कुछ कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं गोपाल। बस कमली, बस। जब मरीज की बीमारी डॉक्टर के बस के बाहर हो जाती है ना, तो वो डॉक्टर भी उस डॉक्टर की मदद मांगता है, सब कुछ उसी के सहारे छोड़ देता है। आज इसी तरह कुमार की तलाश भी हमारे बस में नहीं है, हम कुमार को उसी के सहारे छोड़ देते हैं, और एक दिन वो हमारे कुमार को वापस लाएगा। हाँ कामिनी, तुम देख लेना, एक दिन हमारा कुमार जरूर वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। ये लो पैसे। जानते हो मेरा घर बहुत बड़ा है। हाँ, मेरी माँ ने मेरे घर को बहुत ही प्यार से बनाया है, पर सिर्फ मैं, कामनी, माँ और रेशमा रहते हैं इस घर में। रेशमा तुम्हारी होने वाली भाभी। हाँ, अभी से बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। जानते हो माँ ने हमारी तस्वीरें भी लगाई है। हाँ, मेरी माँ देवी है, देवी। चंदन, मेरी माँ ने मुझे बहुत ही लाड और प्यार से बड़ा किया है। माँ, 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 हमारी सुन ली, हमारी प्रार्थना की लाज रख ली, हमारी गोद को उजड़ने से बचा लिया, हमारा बेटा, हमारा बेटा हमें वापस कर दिया। कामिनी, कामिनी, देख कौन आया है, देख, देख कौन आया है, जो मर गया, राम लखन, देख भैया, देख, भैया, देख कौन आया है, तुम आ गए भैया, तुम आ गए। मेरे भैया को मौत आने से पहले मौत को मौत आ जाए, हम सब तो आज छोड़ बैठे थे भैया, मगर मगर रेशमा को अटल विश्वास था कि तुम लौट आओगे, जरूर लौट आओगे। रेशमा कहाँ है? रेशमा माँ, रेशमा कहाँ है? दुर्गा माँ के मंदिर में, उसने मन्नत मांगी है, जब तक तू नहीं आएगा वो दुर्गा माँ के चरणों में बैठी रहेगी, वहां से उठेगी नहीं। अब तुम्हें आगे होना माँ।
हाँ बेटा। कैसे हो जुम्मन मियाँ? हुजूर, जुम्मन मियाँ तो मेरा नाम है, ये तो राम लखन है हुजूर। क्या फर्क क्या पड़ता है, आप लोग तो सब मिलिए की है ना। खरे तह ना जुम्मन मियाँ? हाँ हुजूर, खुदावन मुकद्दस के मौजू और करामात को देखकर बारगाह इलाही में ता कयामत सजदे में रहने को जी चाहता है हुजूर। बेटा कैसे हो रामलखन? बेटा हमको तो भगवान ने बहरा बनाया है, आज तक कुछ नहीं सुना, मगर माझी कावरी और रेशमा को रोता देखकर हम भी बहुत रोया है। हम इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं बेटा कि भगवान भगवान करे हमें कभी सुनाई ना दे और तुम्हें इस घर से कभी जुदाई ना दे। चलो भाई चलो काम करें। आज के चंदन बेटे वरना बांधा फूट जाता। रेशमा वाह चंदन सिंह वाह, क्या तकदीर है तेरी, यहाँ दौलत और हुस्न दोनों का मालिक बन बैठा, वाह क्या कॉन्फिडेंस है। हे बुलेट, तू हमारी जुदाई में बीमार पड़ गया था ना? अरे देख मैं आ गया हूँ। उनके चले जाने पर तू 24 घंटे उदास रहा करता था, अब वापस आ गए तो काटना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ वो नाराज क्यों है, उसकी खास चीज लाना भूल गए, याद है तुम्हें या नहीं? बिस्किट देखो लाया हूँ, मगर देना भूल गया था, मैं भला कैसे भूल सकता हूँ, अभी देता हूँ। बोले बेटे अपना बिस्किट। सॉरी, बच गए चंदन बेटे, वरना ये साला कुत्ता तेरा हाथ ही चबा जाता। कुमार ये ऐसे क्यों कर रहा है? मेरा ख्याल है कुत्ते जब अपने मालिक से जुदा हो जाते हैं तो कभी कभी इन्हें पागलपन का असर पड़ता है, कहीं पागल तो नहीं हो गया? आओ डॉक्टर से बात करते। कहिए कुमार साहब, बुलेट बिल्कुल ठीक लगा ना? डॉक्टर साहब बुलेट बिल्कुल पागल हो चुका है, काटने में दौड़ता है। इम्पॉसिबल, आपके आने से पहले मैं इसे बाहर ले गया था, गार्डन में घुमा के लाया हूं। मेरा ख्याल है आप इसे यहीं रखिए प्लीज, और तब तक ना भेजिए जब तक मैं ना कहूं। मैं कहता हूं कुमार साहब बुलेट बिल्कुल ठीक ठाक। आप बुलेट को अच्छी तरह जानते हैं या मैं जानता हूं? मैं उसका डॉक्टर, मैं उसका मालिक हूं। एंड यू प्लीज कीप हिम हियर, थैंक यू। चलो। अरे माँ जी, आप उसे एक बार आने तो दीजिए, फिर देखिए मैं उसे 2 मिनट में कैसे ठीक करता हूं। वाकई इसकी लंबी उम्र है, नाम लिया और हाजिर। मेरा यार। अरे अरे साला बेमुरब्बत, मुझे ऐसे देख रहा जैसे मुझे पहचानता है। नहीं नहीं पहचानता हूं ना, वो सामने से रोशनी आ रही ना, तेरा चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। अरे
अरे कितनी मुद्दत हो गई तेरी जबान से अपना नाम सुने हुए। मेरा नाम लेते हुए मुंह दुखता है क्या? क्यों? अरे गोपाल नाम बोलने में मुंह दुखता है क्या? जब तू मिल गया, मैं मिल गया, हमारे दिल मिल गए, तो नाम लेने या ना लेने से फर्क क्या पड़ता है? कैसा गोपाल? कैसा है? बहुत खुश हूँ। और मैं तो यहाँ भी सबको खुश रखने की बहुत कोशिश करता था, कहता था मत रोइए, ये साला जरूर वापस आएगा, बहुत बदमाश है, अगर यमराज पकड़कर ले भी गए ना तो भी उन्हें बातों में फुसलाकर वापस आ जाएगा। अरे वाह वाह वाह, अगर यही बात है तो तुम क्यों रो रहे हो? मैं इसके आने की खुशी में थोड़े रो रहा हूँ, मुझे तो बेचारे यमराज पर तरस आ रहा है, उन्हें कितनी डांट पड़ रही होगी कि हाथ में आए कैदी को भागने दिया, और अब उसूलन ये 2000 साल तक नहीं मर सकता। कुमार जी, माँ बुलेट को साथ नहीं लाया? माँ उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, मैं तो उसे ला रहा था मगर डॉक्टर ने मना कर दिया। भगवान ने हमारी उजड़ी गोद को फिर से बसा दिया, आज आज हम बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश। मुंशी जी। जी मालकिन। शहर के तमाम गरीबों को खाना खिलाया जाए, अनाथ आश्रम को कपड़े, विधवाओं को साड़ियां बांट दी जाएं। माँ जी आपने सबका कल्याण तो कर दिया, लेकिन हम लोगों के जो यार दोस्त हैं उनके बारे में मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? आज एक शानदार पार्टी हो जाए। हो जाए? नहीं गोपाल, जंग में मेरे दिमाग पर चोट लग गई थी, इसलिए मेरी याददाश्त में काफी फर्क आ गया, मैं कुछ चीजें भूल गया। होश में आने के बाद तो मुझे अपना नाम तक याद नहीं था, मैं सब कुछ भूल गया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मिलिट्री डॉक्टर्स ने कहा कि आराम करो, वक्त लगेगा। हाँ गोपाल, लेकिन मेरी याददाश्त लौट आएगी। तो ठीक है यार, आराम कर लेना, पार्टी में तुझे कोई बोझ थोड़े उठाना है। मगर मेरे दिमाग पर तो बोझ होगा, इतने सारे लोग आएंगे, मुझे उनका नाम तक याद नहीं आएगा। ओफो, I'll explain it to everybody यार। मगर इसमें फायदा क्या है गोपाल? आप लोग सारी दुनिया को बताना चाहते कि मैं दिमागी बीमार हूँ? हाँ, अपनी याददाश्त का काफी हिस्सा भुला बैठा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक हमारा बेटा बिल्कुल ठीक ना हो जाए कोई पार्टी नहीं होगी। ओह नो, साली ये भी खत्म। अरे भाई, गांव गांव ढूंढ मारा, मेरी भांजी रेशमा नहीं मिल रही है, आप लोगों ने कहीं देखी है? यहाँ ताश और दारू वारू पूछो, हमें भांजी का कोई पता नहीं है, कहीं और जाके ढूंढो। चलो। अरे भाई, अपनी तो दारू भी बंद हो गई है, कहाँ ढूंढो आराम शादी को। माँ आपने बुलाया? हाँ बेटा, हम चाहते हैं जो पैसे दान में देने हैं वो तुम खुद अपने हाथों से दो। रेशमा जी, कुमार को चाबी दो। जी अच्छा। वो तिजोरी खोलकर अपने हाथ से पैसा निकालेगा, ये लो। फंस गए, लग गए ना रास्ते, अब क्या करेंगे? नंबर तो मालूम नहीं। क्या हुआ बेटे? इस दिमागी चोट ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है माँ, कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ तो चकराने लग जाता है। तो हमसे कहते क्यों नहीं, खामखा दिमाग पर जोर लगा रहे हो। रेशमा जी, जाओ जाकर नंबर बता दो। पता नहीं ये बीमारी मेरा पीछा कब छोड़ेगी। दौलत तो मिल गई चंदन सिंह, अब रीना भी मिलनी चाहिए। कौन है? अरे बाबा कौन है? कमिंग। ओह माय गॉड, कुमार तुम तो जिंदा हो। यस। अंदर तो कुमार, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मेरा दम निकला जा रहा है। अरे ऐसा मत कहो दोस्त, खामखा मरने की बात कर रही हो तुम? अरे हम तो तुम्हारे लिए मौत से झगड़ के आए। मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। कुमार, तुमने मुझसे कभी इस अंदाज में बात नहीं की, जब भी मैं तुम्हारे करीब आती रही तुम दूर हटते रहे,
अचानक आज ये तब्दीली कैसे? हाँ? रीना, ये तब्दीली तो जंग में शुरू हुई थी, जहां मैं हजारों लाशों के बीच में बहुत बुरी तरह जख्मी पड़ा था। तब मुझे सिर्फ एक इंसान की याद आई थी रीना, सिर्फ एक इंसान की, और वो तुम थी। सिर्फ तुम रीना, सिर्फ तुम। तब मैंने भगवान से एक प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे सिर्फ एक मौका दे, सिर्फ एक मौका, ताकि मैं अपनी रीना को अपने सीने से लगा सकूं। कुमार, बस कुमार, बस, मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। मुझे अपनी बाहों में जकड़ लो कुमार। अब कभी मौत तुम्हारे पास आए तो उसे मेरे पास भेज देना। तुम्हारे नाम मैं खुशी खुशी मौत की बाहों में चली जाऊंगी। रेशमा, जाओ बेटी, सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। वो शायद दोस्तों के बीच फंस गया होगा, जाओ। जी माँ जी। रेशमा बेटी। जी जुम्मन मियाँ। गुस्ताखी माफ, अर्ज करूं, रात रात भर इंतजार मत करो बेटी। तुम इधर परेशान रहती हो और उधर सुना है कुमार बाबू किसी कसीनो में जाते हैं, वहां नाच गाना भी होता है बेटी।
जाने मन जाने जा लग जा तू मेरे गले हम दोनों की याद में सारा जमाना चले ओ जाने मन जाने जा लग जा तू मेरे गले हम दोनों की याद में सारा जमाना चले छोटी सरकार खैरियत तो है तबीयत कुछ नासाद लगती है। अरे जुमन मियां इस वक्त भी शराब भी पीने लगे। कुमार मगर इतनी रात गए तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अपने कमरे में जा रहा था सोचा अपने चांद को मिलकर जाऊं। तुमने शराब पी है ना? मुझे शराब से बेहद नफरत है, ये इंसान को शैतान बना देती है। ए रेशमा ये तुम्हें क्या हो गया है कुमार? तुम कितने बदल गए हो, पहले तो तुम्हारी आंखों में कितना प्यार था, अब तो एक अजीब सी महक आती है। महक तो आ गई है मगर तुम्हारे प्यार की। हाँ रेशमा हाँ, कभी कभी डर लगता है मुझे अपनी जिंदगी से, ऐसा लगता है ये चोट मेरी जान ले लेगी, और फिर सोचता हूं कि तुम्हारा क्या होगा। लाने थे मुझ पे रेशमा, लाने थे मुझ पे कि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन नहीं बना सका, अपने खुले भाव में तुम्हें समेट ना सका। हाँ रेशमा हाँ, मौत तो मुझे उठा कर ले गई थी मगर लगता है तुम्हारी दुआओं ने उसे मजबूर कर दिया। बस करो कुमार बस करो, बस रेशमा ने भगवान से प्रार्थना करके तुम्हें मांगा है, वो तुम्हें ऐसे नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी। नहीं कुमार नहीं। रेशमा ये शोर कैसा? अरे बुलेट तू यहाँ कब आया? ये अभी आया माँ, और इसने कुमार को काट लिया। माँ इस हरामी कुत्ते ने आज मुझे काटा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ ये कुत्ता पागल हो गया है। हाँ? ये कैसे हो सकता है? अगर ये पागल होता तो चुपचाप हमारे कदमों में ना बैठा रहता। खैर जुम्मन मियाँ जी माँ
आप इसे ले जाकर बांध दीजिए। अच्छा आओ आओ बुलेट मियां। सुनो बेटी, कमाल है यार, बुलेट ने तुम पर हमला किया, यकीन नहीं आता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? पूछो रेशमा से, वो भी तो वही थी ना। लेकिन बड़ी अजीब बात है। अरे जुम्मन मियां। जी हुजूर। जरा बुलेट को तो लाना। अच्छा जी। अरे नहीं यार प्लीज, उसे मत बुला भी। कमाल है यार, तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे मैं किसी जंगली शेर को बुलवा रहा हूं। अरे भाई बुलेट तेरा पाला हुआ है, तूने उसे छोटे से बड़ा किया है यार। कल तक वो तेरे टेलीफोन को भी पहचानता था, आज वो तुझे नहीं पहचानेगा? अगर नहीं पहचानता तो मैं क्या करूं? भैया आज तुमने सुबह मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे मैं क्यों जगाने लगा? भूल गया आज कौन सी तारीख है? क्यों? ओफो, पहले बताओ ना। 18। और महीना? अब इसका? और इस महीने में बहनों के लिए कौन सा शुभ दिन होता है? अरे तुम मेरे भाई हो या उसके भेस में कोई और आए हो? क्यों, तुम्हें कोई शक हो रहा है? तो फिर तुम कैसे भूल गए कि आज रक्षाबंधन का दिन है? बहने भाई की आरती उतारती हैं, उन्हें राखी बांधती हैं, और फिर तुम मुझे हर साल कहते थे कि देख कामिनी, अब की साल ऐसी राखी लाना कि पूरे शहर में किसी बहन ने किसी भाई के लिए न लाई। हाँ हाँ कामिनी, मुझे मालूम है, मगर तू तो जानती है कि मेरी याददाश्त में। हाँ बस बस बस, तुम्हारे पास हर सवाल का एक ही जवाब है कि तुम्हारे याददाश्त में कोई कमी आ गई। आज मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान अगर तू सच्चा है और बहन के दिल की फरियाद सुनता है तो मेरे भाई को अच्छा कर दे, बिल्कुल अच्छा कर दे। मेरा भैया जुग जुग जिए। सारे इंसानों को तो ठिकाने लगा दिया, मगर वो साला वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है। लगता है उसे भी ठिकाने लगा लूं। हाँ ये अच्छा होगा। माँ जी ऐसे लगता है जैसे किसी ने बुलेट पर गोलियां चलाई हों। बुलेट पर और गोली? घबराइए मत माँ, लकली ही जोके, उसे गोली नहीं लगी। पता नहीं किसकी दुश्मनी है उसके साथ। चलो बेटे काफी रात हो चुकी है, चलो अंदर चलो। ये तो कुमार का लॉकेट है। बुलेट पर गोलियां और वो भी कुमार ने? नहीं नहीं
मेरा कुमार बुलेट पर गोलियां नहीं चला सकता। चलो उतरो। क्यों? उतरो ना। जानते हो ये क्या है? पुराना मंदिर है और क्या है? अरे ऐसे मंदिरों में सांप और बिच्छू बहुत मिलते हैं, काम पर काट लेंगे। चलो। अरे सुनो, तुम खुद तो मुझे पहली बार इस मंदिर में ले आए थे, आज खुद भागना चाहते हो? मैं? और क्या, तुमने नहीं कहा था इसे प्रेम मंदिर कहते हैं? ये कोई भूलने की बात है? तुम इतना मजाक भी नहीं ले सकती हो? चलो सुनो। घंटी नहीं बजाओगे? यहाँ घंटी भी बजानी पड़ती है। सिर्फ एक हाथ से? यहाँ कोई एक हाथ से घंटी बजाता है? मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर, बेहद सुंदर। और इस खूबसूरती में तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? नहीं तो? सोच लो। सोच लिया। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे माथे पर एक बिंदिया होनी चाहिए थी? अरे मैम साहब, तुम तो इसी रूप में अच्छी लगती हो। ये बिंदिया तो गांव वाली देहात वाली लड़कियां लगाती हैं, शहर वाली लड़कियां थोड़ी लगाती हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बिंदिया बिंदिया। मुझे बेहद नफरत है ये बिंदिया सिंदूर बिंदूर से। अरे सब पुराने ढकोसले हैं। हाँ मुहूर्त तो बहुत ही अच्छा निकला है आपके बेटे की सगाई का। अच्छा फिर मंगलवार को दर्शन होंगे। नमस्ते। 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 बेटी जी जाओ, रेशमा को ये खुशखबरी दे दो। अच्छा मुंशी जी। जी। फौरन तैयारियां शुरू कीजिए, क्योंकि आपको एक महीने का काम एक दिन में पूरा करना होगा, समझे? जी अच्छा। रेशमा मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। मुबारक? हाँ, कल यानी मंगलवार का दिन बड़ा शुभ है। शुभ है? क्यों, तेरी शादी है क्या? हाँ शादी ही है, मगर मेरी नहीं, आपकी। मेरी? इसी मंगलवार को भैया के साथ तुम्हारी मंगनी है। क्या? हाँ, और दो दिन बाद यानी शुक्रवार को तुम्हारी शादी है। यहाँ घंटी भी बजानी पड़ती है। मुझे बेहद नफरत है ये बिंदिया सिंदूर बिंदूर से। अरे सब पुराने ढकोसले हैं। हाँ कुमार बाबू किसी कसीनो में जाते वहां नाच गाना भी होता है बेटी। ये मेरा कुमार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये चूड़ियां पसंद है? लेकिन लाल चूड़ियों का मतलब समझते हो? ये सुहागन को पहनाई जाती है जब उसकी शादी होने वाली होती है। तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। ओह श्योर। तो इस काम के लिए आप हर शाम घर से गायब हो जाते हैं? नहीं रेशमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कुमार नहीं हो। क्या मतलब? कौन हूँ? वो मुझे नहीं मालूम, मगर तुम कुमार नहीं हो सकते, क्योंकि कुमार सबको भुला सकता था, अपनी दुनिया को भुला सकता था, अपने आप को भुला सकता था, मगर वो कसमें वो वादे जो हमने किए थे वो कभी नहीं भुला सकता था। और सबसे बड़ा सबूत है बुलेट, जो तुम्हारी परछाई तक से नफरत करता है, और इसीलिए तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। शॉर्टकट में बात करो, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम कुमार नहीं, उसके हमशक्ल धोखेबाज हो, और मैं ये राज सबको बता के ही रहूंगी। कौन मानेगा तुम्हारी ये बात? रानी माँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कौन गवाह है जो ये साबित कर सकेगा कि मैं कुमार नहीं? रानी माँ? अरे रानी माँ तो मेरी मुट्ठी में है। अगर मैं रानी माँ के पास खुद चला जाऊं और जाकर ये कहूं कि मैं कुमार नहीं, कभी विश्वास नहीं कर सकेंगी। इसलिए अगर तुम मेरे खिलाफ कोई चाल चलने की कोशिश करोगी तो याद रखना, मैं तुम्हें ऐसे गायब करूंगा कि ऐसा लगेगा कि रेशमा नाम की
लड़की इस दुनिया में थी नहीं। ठीक है, एक बात तुमने रेशमा से गलत की कि तुम्हारे खिलाफ कोई गवाह नहीं, गवाह मैं हूं। मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे यह भी मालूम है कि तुम कुमार नहीं चंदन सिंह हो। तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है, तुम तो मेरी जान हो। शट अप बेईमान धोखेबाज फरेबी, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I hate you। कमाल है, मोहब्बत का रंग इतनी जल्दी नफरत में कैसे बदल गया। मैंने तो कभी तुमसे मोहब्बत की ही नहीं। इस दिल में सिर्फ कुमार के लिए जगह थी। उसके ख्यालात, उसकी इंसानियत ने मुझे उसको चाहने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन तुम्हारी इस गंदी चाल ने मुझे तुम्हें बर्बाद करने पर मजबूर कर दिया है। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन कुमार को, उसके खानदान को, उसकी मोहब्बत को मैं तुम्हारे इन नापाक हाथों से कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी हकीकत बताकर तुम्हारे गले में फांसी का फंदा लगा कर रहूंगी। चंदन सिंह, इतना याद रखना कि तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तो तुम मुझे मेरे गुनाह की सजा दिलवाओगी? हाँ हाँ दिलवाऊंगी। माफ कीजिए रीना जी, मजबूरन मुझे आपको अपने रास्ते से हटाना ही पड़ा। और जाते जाते मैं ये लाल चूड़ियां जरूर ले जाऊंगा, क्योंकि ये अब आपके काम के नहीं, मेरे काम के हैं। क्या बेहुदा बकवास कर रही हो? तुम हमसे ये कहने आई हो जो जंग से लौटकर आया है वो हमारा बेटा नहीं? हाँ माँ, वो आपका बेटा नहीं है, वो कोई बहरुपया है, उसका हम शक्ल है और अपनी शक्ल का फायदा उठाकर हम सबको धोखा दे रहा है। धोखा वो नहीं दे रहा है बल्कि तुम उसे धोखा दे रही हो। अब शायद तुम्हारे दिल में उसके लिए वो मोहब्बत नहीं रही, इसलिए तुम उससे दामन छुड़ाने के लिए उस पर ये इल्जाम लगाकर तुम यहां से भाग जाना चाहती हो। लेकिन हम उसकी मां हैं, उसे खुश रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। आप समझते क्यों नहीं है, वो आपका बेटा नहीं है। खामोश, आगे हम एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहते। चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। ठीक है, अगर आप मानने के लिए तैयार नहीं है और आपकी भी यही जिद है तो मेरी भी सुन लीजिए। मैं ये शादी किसी भी हालत में नहीं करूंगी। अब आई ना तुम्हारी असलियत, तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पर। माँ जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? तुम हमें क्या समझाओगी, हम तुम्हें अच्छी तरह समझ चुके। अरे अरे अरे, ये क्या, शादी से पहले ही सास बहु में झगड़ा? अरे माँ, खुशी के मौके पर झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। क्या दरअसल क्या हुआ माँ, कि कल रात को मैं इसे नाइट क्लब में ले गया था, थोड़ा सा जलाना चाहता था, भड़क गई मुझ पर। अब क्या कि हमारे दोनों के बीच में दोस्ती और दूसरे की आंख में छुई चलती रहती है ना। ये देख माँ, सुहागन की लाल चूड़ियां मैं खुद लाया हूँ। कहते हैं कि शगुन के लिए दुल्हन को पहनाई जाती है। देखो रेशमा, देखो, ये शगुन की नहीं बट शगुन की चूड़ियां हैं जो मैं कभी नहीं पहनूंगी। रेशमा, मत लो मेरा नाम अपने धोखेबाज शराबी जबान से। तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकते हो, इस घर के पढ़े लिखे लोगों को धोखा दे सकते हो, मगर मुझ अनपढ़ गवार रेशमा को और बुलेट को धोखा कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। और आप भी सुन लीजिए, मेरे जाने के बाद आप पछताएंगी, बहुत पछताएंगी। कहाँ जाओगी तुम? हाँ, छोड़ दो मुझे, वरना सारे शहर को चीख चीख कर कहूंगी कि तुम कुमार नहीं है, एक धोखेबाज हो। माँ, ये क्या बदतमीजी है? माँ, मैं जानता हूँ उसे क्या हुआ है। उसे कभी कभी दौरे पड़ते, जब पहली बार मिली थी तब भी ऐसे ही हुआ था। आप फिक्र मत कीजिए, इसका इलाज तो मैं ही करूंगा। ले जाइए इसे ऊपर, मैं पार्टी की तैयारी करता हूँ। वेलकम सर। जिस लड़की की जान बचाई उसी से शादी कर रहा हूं। इट्स अ नाइस कोइंसिडेंस। कुमार मेरे साथ। ड्रिंक फॉर यू।
माँ जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ उन्हीं कपड़ों में जो मैं पहनकर आई थी। मुझे दुख है कि आप मेरी बात ठीक से समझ नहीं सकी रेशमा। एक्सक्यूज मी माँ, इधर आना माँ। So you got married with your beloved? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कुमार, इधर आओ। कुमार, रेशमा भाग गई। रेशमा भाग गई। दंडन सिंह! चंदन, तुम खूनी धोखेबाज, कमीने, तू ये सोच रहा था कि मैं मर गया, इसलिए कुमार बनकर इस घर में ऐश कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दुर्गा, धक्के मार के बाहर निकाल उस उल्लू के पट्टे को। खामा का हमारी पार्टी का मजा बिगाड़ने आया है। पार्टी का मजा नहीं, अब मैं तेरी जिंदगी का मजा बिगाड़ने आया हूं। मैं तुझसे एक एक दिन का बदला लूंगा कमीने मुकादम, जो तूने मुझ पर जंग में किए थे। आज तू फिर कोई नई चाल सोचकर आया है। हमारे रेजिमेंट का मुकादम होकर तुम हमें मुकादम कहते हो? मैंने तुझे अपना दोस्त इसलिए बनाया था क्योंकि तेरी शक्ल मुझसे मिलती है। अपनी खानदान की सारी बातें बताई, मां रेशमा कामनी सबके बारे में बताया जो तू कुरेद कुरेद पूछता था। और आज इन्हीं बातों का फायदा उठाकर तुम मेरे खानदान को धोखा देने आए हो। हरामखोर, चल जा यहां से, चल जा, वरना इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि मेरे हम शक्ल से बदशक्ल बनकर रह जाएगा। गोपाल कामनी, रुक जाओ। कोई भी इस कमीने को मदद करने नहीं जाएगा। ये अपने जख्म और अपनी हालत दिखाकर हमसे हमदर्दी हासिल करना चाहता है। सर, क्या ये सच नहीं कि चंदन सिंह हमारे रेजिमेंट में सामान सप्लाई करता था और इसकी शक्ल मुझसे मिलती थी? बोलिए बोलिए। चंदन सिंह वाकई कुमार का हमशक्ल था, और ये भी सही है कि दोनों की शक्ल इतनी ज्यादा मिलती जुलती थी कि हमारे रेजिमेंट का हर ऑफिसर और हर सिपाही सिर्फ इन्हें यूनिफॉर्म की वजह से ही पहचान सकता था, वरना पहचानना बहुत मुश्किल था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप भी मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं? अपने फेवरेट ऑफिसर कैप्टन कुमार को? और तुम क्या समझते हो अपने आप को? अपने बालों का स्टाइल चेंज करने से, अपने सोने के दांत पर कवर चढ़ाने से क्या तुम कुमार बन जाओगे? शट अप! तू तो पहचान मुझे, अपने खून को तो पहचान ना। क्यों खामोश खड़ी है? कैसे समझा तुझे माँ, कैसे समझाओ? कुछ तो बोल ना माँ, कुछ तो बोल। यार मेरे गोपाल, क्या तू अपने कुमार को नहीं पहचान सकता क्या? यार पहचान ना मुझे गोपाल। कामनी, क्या तू भी अपने भाई को नहीं पहचान सकती? देखो हम दोनों को, देखो अपने दिल की आंखों से देखो और पहचानो कि तुम्हारा कुमार कौन है। नहीं कुमार हूं कामनी। सब पहचानते हैं कि हीरा कौन है, और जब असली हीरा यहां मौजूद है, कांच के टुकड़े को हीरा समझकर कोई नहीं अपनाएगा। निकाल दो उस नमक हराम को इस घर से।
झूठ बोल रहा है माँ, मैं ही कुमार हूँ माँ, मैं ही कुमार हूँ, यकीन कर माँ तू ये क्या कर रही है माँ, मैं ही कुमार हूँ, मैं ही कुमार हूँ माँ, मैं ही कुमार हूँ माँ, मैं ही कुमार हूँ माँ, गांधी गोपाल मैं आंसू, वो भी अजनबी धोखेबाज के लिए, अरे माँ तू नहीं जानती इस आदमी ने मेरे साथ जंग में क्या क्या सलूक किए थे, बता दू अभी खड़े खड़े गोली मार देगी इसे, मैं कुमार हूँ माँ, मैं ही कुमार हूँ, यकीन कर माँ, मैं ही कुमार हूँ, मैं ही कुमार हूँ माँ, मैं ही कुमार हूँ। शक सही निकला, तू हमारा कुमार नहीं बल्कि कुमार का दुश्मन है, रेशमा ने तुझे ठीक पहचान लिया था, पुलिस तुझसे नफरत करता था और हम ममता के मारे किसी को कुछ बोलने का मौका तक नहीं देते थे, अगर दिल में शक पैदा भी होता था तो उसे दबा देते थे, हट जा मेरे सामने से वरना मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो मैंने तुम्हारे बेटे के साथ किया था। नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर तू खैरात मांगता तो इससे दुगुनी दौलत तुझे भीख में दे देते, मगर तूने तूने हमें धोखा दिया है, हमारी ममता को धोखा दिया है, हमारे बेटे को मार खिलवा के इस घर से बेइज्जत करके घर से निकलवाया है। अच्छा बुढ़िया। नहीं, नहीं, सुमन मिया, लक्ष्मण, रामलखन, चोर, चोर, रामिनी, रामिनी। अच्छा। क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब हो गई है, मैं गोपाल को लेकर आता हूँ। हाँ। Thank you.
मगर ये सब हुआ कैसे? माँ, उस हरामखोर चंदन ने जंग में मेरी जख्मी हालत पर मुझ पर हमला किया और फिर मारकर नदी में फेंक दिया। लेकिन मेरी जिंदगी बाकी थी माँ, मेरी बेहोशी हालत में मच्छरों ने मुझे बचा लिया। मेरी देखभाल की माँ उन्होंने, हाँ मेरी देखभाल की। उन लोगों का बड़ा एहसान है मुझ पर माँ। रेशमा का भी बहुत एहसान है हम लोगों पर। तुम्हारे यहाँ आने से पहले उसने उस धोखेबाज को पहचान लिया था कि वो हमारा बेटा नहीं है, लेकिन लेकिन हमने उसकी एक न सुनी। जबरदस्ती उसकी मंगनी चंदन के साथ करनी चाहिए, लेकिन लेकिन मंगनी की रस्म पूरी होने से पहले ही वो यहाँ से चली गई। मगर कहाँ गई माँ, कहाँ? हटो 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 हटो, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये तो वही लड़की है जिसे कल रात हमने बचाया था। चलो 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 फटाफट। ए तुम। जी साहब। अगर लड़की जिंदा है तो इसे अस्पताल ले जाओ, और मर गई है तो कचरे के डिब्बे में फेंक दो। वो तो जैसा रास्ता भाई। अरे चलो साहब, रेशमा ये मेरी भांजी है साहब, मेरी भांजी। तो अच्छी तरह से पहचान ले अपनी भांजी को। तू ना जाने कहां कहां से कौन कौन सी भांजियां ढूंढता फिर रहा है। अरे साहब, आपके सर की कसम, ये मेरी एकलौती भांजी है। तो उठा उठा कचरे की पोटली को। उठाता हूं। अरे भाई, मेरा काम खावक बर्बाद कर दिया कर। हां अरे मेरे बुढ़ापे का सहारा, अरे ये देखेगा। चल जा काम करो। सब जब भी तेरी याद आ गई, दिल को मेरे तड़पा गई, गम की घटा बरसा गई, आंसू मेरे छलका गई। जब भी कहा कहा बन के नजर दिल की जुबान कहने लगी एक दास्तां। बन के नजर दिल की जुबान कहने लगी एक दास्तां। कुमार, कुमार नहीं वही धोखेबाज चंदन है। धोखेबाज या याश तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए तुम्हारा पीछा करते करते याद लगा गया है। ये झूठ बकता है रेशमा, ये वही चंदन है जो हमारे जुदाई का जिम्मेदार है। पहचानो मुझे रेशमा, मैं कुमार हूँ। नहीं रेशमा, चंदन ये है, कुमार मैं हूँ। इसके बाहों में जाकर हमारे प्यार को दादार मत बना देना। ये फिर झूठ बक रहा है रेशमा, क्या हो गया तुम्हें? इस बेईमान को घर में किसी ने नहीं पहचाना, सिर्फ तुमने पहचाना। आज तुम खुद इसके मकारी से धोखा खा रही हो। मैं कोई धोखा नहीं खाऊंगी। मेरी आंखें अपने कुमार को पहचानती हैं, अपने प्यार को परखने की ताकत है उनमें। कुमार, खोने वाले पाते हैं तो मुस्कुराया नहीं करते बल्कि आंसू बहाया करते हैं, और तुम्हारी आंखों में तो शैतानी मुस्कुराहट है। जुदाई और दर्द का एक भी आंसू नहीं है। तुम कुमार नहीं हो सकते, तुम ही चंदन हो। कुमार? हाँ मैं ही चंदन हूं। अगर
ये चंदन तुम्हें और दौलत को ना पा सका तो सबसे पहले कफन तुझे ही बनाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरा बनता हुआ खेल बिगाड़ दिया। जादे, इस दांत और अपने बाल चेंज करने से तू मेरे घर का सुख चैन और मेरी जिंदगी को खा जाना चाहता था ना? हाँ, अब बोल, अब तो इसके जाहिर हो गई है, अब क्या करेगा? हट। कुत्ते, मैं तुझे दुनिया को मेरी असलियत बताने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। मेरी ममता का मजाक उड़ाया है, मेरे सामने मेरे बेटे को मार मार के घर से निकाला, उसे लहूलुहान कर दिया। आज मैं अपने बेटे के खून के एक एक कतरे का बदला लूंगी, समझा? माँ, एक और गोली मार दे माँ, मेरी मौत पर एहसान कर माँ, मुझ पापी की आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी माँ। चंदन, तुमने मुझ पर गोली चलाकर ये समझा कि तुम्हारे बेटे की जान बच गया, लेकिन आज कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भगवान भी आज किसी को नहीं बचा पाएगा। चंदन सिंह, चीखो मत कुमार साहब, आज तुम फिर हार गए। तो जैसे जमीन के कीड़े से आज तक कोई आसमान नहीं हारा है। रुक जाओ चंदन सिंह, वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। बन के नजर दिल की जुबान कहने लगी एक दास्तां, बन के नजर दिल की जुबान कहने लगी एक दास्तां।